जापान की ओसाका यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने एक खास तरीके की स्किन तैयार करी है जो कि सिंथेटिक स्किन है, जिसको हम आर्टिफिशियल स्किन भी कह सकते हैं, और इसी के साथ साथ इसका नाम रखा गया अफेटो, जो कि रियलिस्टिक लुकिंग रोबोटिक चाइल्ड के फेस पर लगाई गई है, जो कि रोबोटिक हेड है सिर्फ, जो कि बच्चे का सर बनाया गया है, जिसकी खासियत यह है कि अगर आप इसकी स्किन को टच करते हो तो उसी तरीके का एक्सप्रेशन देता है जिस तरीके से बच्चे देते हैं। जैसे कि बच्चों की स्किन को कई बार लोग ऐसे ऐसे कर देते हैं तो उस तरीके के उसके एक्सप्रेशन आते हैं आपके सामने, तो उसी तरीके के एक्सप्रेशन ये भी रोबोटिक चाइल्ड दे सकता है, क्योंकि इस तरीके के इमोशंस को ये डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करके अपने इमोशंस में दिखा सकता है, अपने फेस पे बना के दिखा सकता है, जो कि शायद सोफिया रोबोट नहीं दिखा सकती अपने स्किन के जरिए। वो सिर्फ अपने बातों के इमोशंस दिखा सकती है, अगर कोई बात हो गई हंसी मजाक वाली तो वो स्माइल कर सकती है, लेकिन अगर कोई उसकी स्किन को टच करेगा तो शायद वो उस तरीके के इमोशंस नहीं दिखा सकती। लेकिन ये एक अलग तरीके का रोबोट है जो कि अपने स्किन पे होने वाले पेन को भी दिखा सकता है, टच को भी दिखा सकता है, या फिर पिंचिंग को भी दिखा सकता है, और कई तरीके की चीजें जो स्किन के साथ की जाती है वो सभी इमोशंस ये दिखा सकता है। सो दोस्तों, इसी तरीके की और अपडेट के लिए देखते रहो, मेरा नाम है भारत शर्मा, आप देख रहे देखो इसको, आशा करता हूं आज का दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। एंटार्क्टिका के अंदर जियोकेमिस्ट जॉन एंड्रू हिगनिस ने एक एक्सपेरिमेंट किया जहां पर 137 मीटर का होल कर दिया ड्रिल करके, जिसके बाद में उसमें 9 इंच का एक बर्फ का ब्लॉक डाल के देखा तो वहां पर कुछ इस तरीके की आवाज आई जब वो टुकड़ा नीचे गिर रहा था। ये आवाज कुछ कुछ ऐसी लग रही थी जैसे कि फिल्मों में शूटिंग होती है एक दूसरे पर और दूर से कहीं फायरिंग की आवाज आती, तो कुछ उस टाइप की आवाज थी, जिसका क्रेडिट इन्होंने ग्लेशियोलॉजिस्ट पीटर नेफ को दिया, जिन्होंने एक साल पहले इसी तरीके का एक एक्सपेरिमेंट किया था जहां पर 90 मीटर का एक होल किया था इन्होंने एंटार्क्टिका के अंदर, जहां पर एक आइस ब्लॉक डाल के देखा था तो वहां पर भी कुछ इसी तरीके की आवाज आ रही थी, तो यहां पर इसको थोड़ा और बढ़ाने के लिए इन्होंने 137 मीटर का होल किया। अब यहां पर जिन लोगों को ये दोनों ही एक्सपेरिमेंट की पूरी वीडियो देखनी है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहां पर जाके दोनों ही वीडियो देख सकते हो। एलन मस्क के स्पेसएक्स का एक एंबिशियस प्रोजेक्ट है जिसका नाम है स्टारलिंक मिशन, जिसके बारे में मैं आपको कई बार बता चुका हूं, क्योंकि इसके कई तरीके के बैच भेजे जाते हैं सैटेलाइट को स्पेस में पहुंचाने के लिए, जहां पर 60 और सैटेलाइट स्पेस में भेजी गई फैल्कन 9 रॉकेट से, जो कि रीयूजेबल है, और ये 17 फरवरी को भेजी गई थी, तो अब हो चुकी है टोटल करीबन 302 सैटेलाइट स्पेस में, लेकिन उनमें से सिर्फ 297 काम कर रही है, और 2024 तक कहा जा रहा है कि 4400 सैटेलाइट स्पेस में भेज देंगे, और 2017 तक करीबन 7000 के करीब में हो जाएंगी, जो कि होगा इसका स्टेज वन, क्योंकि टोटल इन्हें भेजनी है 12000 सैटेलाइट। सो यहां पर अगले स्टेज में ये आगे की 5000 सैटेलाइट भेज देंगे स्पेस में, जिसकी वजह से होगा क्या कि दुनिया के हर एक कोने पे इंटरनेट आएगा सैटेलाइट के ही जरिए। ग्लोबल टेम्परेचर राइज की बात की जाए तो समुद्र को आप निगलेक्ट नहीं कर सकते, समुद्र का भी टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ ही रहा है, जहां पर न्यूजीलैंड के अंदर कोस्टल लाइन पर एक फैमिली फिशिंग के लिए गई हुई थी, जहां पर उनको एक अलग ही तरीके का नज़ारा देखने को मिल गया। वहां पर हर जगह समुद्र में पाई जाने वाली क्लैम्स की एक स्पीशी है जिसका नाम है मजल, वो मरी हुई पाई गई है, और यहां पर करीबन 5 लाख के करीब में ये मरी हुई यहां पर पाई गई है, और इस तरीके का मरना ये बताता है कि समुद्र के टेम्परेचर राइज होने की वजह से कई सारी स्पीशीज को दिक्कत हो रही है, और इन सभी के वो जो शेल होते हैं वो खुल चुके थे, और वो शेल तब खुलते हैं जब ये गर्म पानी में उबाल ली जाती है, और 5 लाख मजल्स को कोई इंसान उबाल दे ऐसा हो नहीं सकता, ये इसी वजह से हुआ है क्योंकि समुद्र का किसी एरिए का टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ा कि ये वहाँ पे कुक टू डेथ होने की वजह से मर गई हैं, और टाइड की वजह से सारी की सारी कोस्टल लाइन पे देखने को मिली हैं, जो कि बताता है कि क्या चीज़ें हो रही हैं अब टेम्परेचर राइज होने की वजह से, जो कि सारी दुनिया के लिए एक चिंता का विषय बन चुका है। 2016 में गूगल ने रेलटेल के साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट किया था जहां पर वो इंडिया के ज़्यादातर जो भी मेजर रेलवे स्टेशन है वहां पर फ्री के वाईफाई प्रोवाइड किया करेगा पैसेंजर को, जो भी लोग वहां पे मौजूद होंगे, और ये कॉन्ट्रैक्ट था करीबन मई 2020 तक का, जो कि अपडेट आने वाली है जो कि अब ख़त्म हो जाएगा, और गूगल इसको कंटिन्यू नहीं करेगा। गूगल ने कह दिया है कि मैं इसको अब यहीं शट डाउन कर रहा हूँ। उन्होंने करीबन 400 रेलवे स्टेशन पर लोगों को फ्री वाईफाई दिया था, और शट डाउन करने का रीज़न ये है कि अब इंटरनेट
इंटरनेट इंडिया के अंदर वैसे ही इतना सस्ता हो चुका है कि सभी के पास में इंटरनेट मौजूद होता है, तो लोगों को अब जरूरत नहीं है फ्री के वाईफाई की रेलवे स्टेशन पे। यहाँ पर गूगल अर्न कैसे करता था कि वो रेलवे स्टेशन पे आपको फ्री का वाईफाई तो देता था और इसी के साथ साथ कुछ एडवर्टाइजमेंट भी दिखाया करता था, लेकिन अब लोगों के पास में खुद का इंटरनेट है, सस्ता इंटरनेट है, तो उनको इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती, जिसकी वजह से वो इसे हटा रहा है। तो यहाँ पर 400 रेलवे स्टेशन पे अब गूगल का फ्री वाईफाई आपको नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहां पर वाईफाई बिल्कुल कट ऑफ हो जाएगा। दरअसल उसका एक पार्टनर जो रेलटेल है, वो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो भी वायर वगैरह जो भी डिवाइस वगैरह थे वो सारे रेलटेल के ही थे, तो शायद रेलटेल इसको आगे कंटिन्यू करेगा किसी और सर्विस के साथ में, बस गूगल हट जाएगा साइट। एक बहुत ही कमाल की टेक्नोलॉजी डेवलप करी है यूनिवर्सिटी ऑफ मीगल के न्यूरो इंजीनियर्स ने, जहां पर एक महिला थी बर्नाडेटा गोम्स, जो कि 15 साल पहले अपनी आंखों की रोशनी खो देती है, जिनके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। वो खुद आई थी सामने कि मेरे ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है, क्योंकि जब इस तरीके के एक्सपेरिमेंट होते हैं तो लोगों को कहा जाता है कि क्या कोई वॉलंटियर बनेगा, तो इनको ये मौका मिल गया था, जिसके बाद में ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा। यहाँ पर हुआ ये है कि इनकी रेटिना को बाईपास कर दिया गया है एक डिवाइस के जरिए, जिसमें लगा एक कैमरा जो कि इनके फील्ड ऑफ व्यू के हिसाब से सारी चीजें देखता है, जिसके बाद में वो जो भी डेटा होता है उसको एक कंप्यूटर को भेजता है जो कि इसी डिवाइस से कनेक्टेड है, जिसके बाद में इलेक्ट्रिकल इंपल्स सिग्नल्स बनते हैं जो कि इनके दिमाग को, जिसके बाद में इनको वो सारी चीजें दिखती हैं जो उस कैमरे को दिखती है। एग्जैक्टली एक टेक्नोलॉजी किस तरीके से काम करती है वो अगर मुझे पता होता तो शायद मैं ही ऐसी सर्जरी कर रहा होता, क्योंकि इसमें सर्जरी की जरूरत होती है। और इसी के साथ साथ यही बात है बस। सो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही था। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और इसी के साथ साथ एक बात बताना चाहूंगा कि जब भी सिचुएशन खराब हो जाती है ना, तो लोग ऐसे भी होते हैं जो चीज़ों को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं, और कुछ मददगार लोग भी होते हैं, जैसे कि हिमालयन सुनामी के बारे में तो आपको मालूम होगा, जो कि केदारनाथ के ऊपर आई थी, तब कई होटल वाले ऐसे निकले थे जो कि फ्री में खाना दे रहे थे, कई ऐसे निकले थे जो कि एक रोटी 1,000 रुपये की भी बेच रहे थे इस सीरियस सिचुएशन के अंदर। इसी तरीके से जब चाइना में कोरोना वायरस का कहर मच चुका है आज के वक्त में, तो कई दुकान वालों ने क्या किया कि फेस के जो मास्क होते हैं जो कि बचाते हैं लोगों को इन्फेक्शन से, सो वो उन्होंने 1,500-1,800 रुपये इतने के कर दिए थे, जो कि 50-60 रुपये के मिला करते थे वहाँ पर, उनकी करेंसी को कन्वर्ट करके बता रहा हूँ मैं आपको ये सारी बातें। तो उनके ऊपर पेनल्टी लगा दी गवर्नमेंट ने कि ये सब आप नहीं कर सकते, जितने का है उतने का ही दोगे, बल्कि कईयों ने तो फ्री में बांटे हैं वहाँ पे, पुलिस को ही एक बक्सा दे के आए हैं पूरा का पूरा कि ये मास्क आप दूसरों को भी बांटना। सो यहाँ पर उनको तो पेनल्टी लगा दी थी उन्होंने जो भी इस तरीके के काम कर रहे थे। अब यहीं पर एक और कंपनी आई है जहां पर फेस आईडी मास्क लेके आई है, नई टेक्नोलॉजी लेके आई है कि एक ऐप से आप अपने फेस को स्कैन करोगे, जिसके बाद में आपके ही फेस के लुक का आपको मास्क भेज दिया जाएगा। चलो ये नई तरीका है, ये उन्होंने बना दिया, ये खाली मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ, इनकी कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ। और इसी तरीके से करीबन 25,000 मेडिकल वर्कर लगे हुए हैं उसी सिटी के अंदर, वुहान सिटी के अंदर, जहाँ पर ये सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन फैला हुआ है, जहाँ पर 1700 मेडिकल वर्कर को भी कोरोना वायरस हो चुका है मदद करते करते। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ली वेंग लियांग की मृत्यु तो हो ही चुकी है, जिन्होंने सबसे पहले लोगों को अवेयर किया था कि ये वायरस चाइना के अंदर फैल चुका है, जिनके ऊपर ही पुलिस ने केस दर्ज कर दिया था रूमर वगैरह फैलाने का। अब इसी तरीके से 51 साल के लियू जिमिंग की मौत भी हो चुकी है, जो कि एक डॉक्टर थे, न्यूरोसर्जन थे, वो भी लोगों की मदद में लगे हुए थे, इन्हीं 1700 लोगों में से ये भी एक थे जो कि इन्फेक्टेड हो गए थे लोगों की मदद करते करते इस वायरस से। तो इसी टाइप की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और सब्सक्राइब किया है तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा कि मैंने वो वीडियो डाली भी है।